हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप और कल का व्लॉग आपको कैसा लगा आप बताइए प्लीज़ कमेंट्स में कल हमने बोट बनाई थी आप चाहते हैं हम ऐसे और वाले और पेपर बोट्स और बैग्स बनाए तो मुझे बताइएगा मैं वो वीडियो भी डालूंगी और आज मैं एक बुक पढ़ रही थी और वो थी सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब किसी ने ऐसा भी सवाल किया है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है तो उसमें बैच फ्लावर रेमेडी इफेक्ट करेगी कि नहीं तो भाई पहले आप ये जान लीजिए कि आप धरती पे आए क्यों क्या है यूजुअली तो एक ये ऐसा युग आया है जिसमें बच्चे पैदा होने कम होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं और इवेंचुअली बंद हो जाएंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैरिज भी हो नहीं रही हैं तो हमने मैं मतलब मैंने जो बुक में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई जो सोल्स अब जा रहे हैं ना वो नमस्ते कर रहे हैं कह रहे कि हमें वापस नहीं आना हमें माफ़ करो थैंक यू वेरी मच पर आ, कुछ सोल्स ऐसे हैं हम जैसे जो हम कहते हैं कि भाई हम अकेले नहीं रह सकते हमें तो कोई ना कोई साथी चाहिए तो कोई तो आओ तो उसके लिए भगवान जी क्या करते हैं हमारे प्यारे प्यारे फ्री फ्रेंड्स हैं बिलियाँ हैं कुत्ते हैं जानवर हैं जो अब पेट्स रखते हैं वो सोल्स कहती हैं कि चलो हम थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे हम आ रहे हैं तो ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी जब मैं जेम्स वैन फरपरा को फॉलो करती थी पर आज जो ये क्वेश्चन आया है इसके रिलेशन में मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी तो कुछ का ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज करने के लिए ही पैदा हुए हैं बच्चे पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं ये तो संसार का नियम है कि जैसे आप बड़े हो जाएं आप शादी करें बच्चे करें अपना बिजनेस सेट करें और उसके बाद वो हैंड ओवर आप आगे की जनरेशन को दें और जाएं बट इट इज़ नॉट नेसेसरी हम पैदा हुए अपने कर्म जो हैं उनको इक्वलाइज करने के लिए जो कि हम यूजुअली भूल जाते हैं अब वो कर्म कईयों के पेरेंट्स के साथ रहते हैं कईयों के फ्रेंड्स के साथ रहते हैं कईयों के फरी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं कईयों के आपको पता भी नहीं चलेगा बॉस के साथ भी रहते हैं आपको पता है बहुत ऐसे भी हैं पर वो जब एक बारी आपका बिजनेस जो होता है उनके साथ जिस चीज़ के लिए आप जन्म लिया है वो हो जाता है ना तो फिर यू पास मैं मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आप पास ऑन होने वाले हैं क्या है बट मैं आपको जनरली बता रही हूँ क्योंकि ये एक सेलेस्टाइन प्रोफेसी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक स्टोरी थी एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट की जो वो कहते कि मैंने तो दुनिया में बहुत कुछ दिया और फिर भी मैं फेल होकर आ गया क्योंकि उसका सोल पर्पस जो था उसने उस पर फोकस नहीं किया ये सब उसने बहुत सारी लाइफ में किया हुआ है अब बात करते हैं बैच फ्लावर की तो अगर आप फिर भी कीन हैं आप अबव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव हो गए और आपको अभी भी शादी करनी है तो पहले आप अपने इमोशंस चेक कीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फियर आपके अंदर है शादी को लेके, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप किसी चीज़ को लेके या कोई पास्ट रिलेशनशिप को लेके अभी तक गिल्ट में हैं। क्योंकि बैच फ्लावर जो है ना मैंने आपको पहले भी बताया इमोशंस पे काम करता है सो फस्ट फिगर आउट वॉट इज़ इट इन यू दैट इज़ स्टॉपिंग यू टू गेट मैरिड फिर उसके बाद बच्चों की भी बात करेंगे जिनके बेबीज नहीं होते हैं तो वैसे भी ऐसा कहा गया है जिनके बेबीज़ नहीं होते हैं ना उनका ये लास्ट बर्थ होता है तो अगर आपका ये लास्ट बर्थ है तो अच्छे से जी लो <laughs> खुश हो लो बेबीज जो हैं आप चाहो अडोप्ट कर लो अगर आपको बेबीज पालने हैं तो उनके भी मम्मी पापा नहीं हैं वो भी ढूंढ रहे हैं मम्मी पापा आप भी ढूंढ रहे हो बेबी आप अडॉप्ट कर लो किसी को थोड़ा टाइम के लिए अगर आप प्यार दे दें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो वो भी बहुत बड़ी बात होती बट खैर ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई तो मैंने ये चीज़ दो चीज़ें इसलिए मिला के आपको बोली क्योंकि रिसेंटली भी मेरी अभी किसी से बात हो रही थी मैंने कुछ सुना भी यही सेम चीज़ आ रही थी कि भाई आ, ये कहीं लास्ट वर्ड तो नहीं बहुत लोगों का कल की युग आने वाला है और आ, कल युग ख़त्म होने वाला है 2026 ट्वेंटी सिक्स में कोरोना से भी भयंकर बीमारी आएगी सो वी वर टॉकिंग ऑन डैट टर्म्स तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना दें अपने छोटे से यूट्यूब फैमिली को भी थोड़ी गाइडेंस दे दें और जो लोग शादी को लेके बैच फ्लावर करना चाहते हैं दे कैन गेट इन टच विथ मी मैं आपसे बात करूंगी आपका कौन सा इमोशन है जो रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड देन वी कैन क्रॉस आर फिंगर्स एंड सी के भाई शादी होती है या नहीं होती है तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और स्टोरी टाइम हम कल लेके आएंगे ठीक है कल हम बातें कम करेंगे स्टोरी ज़्यादा सुनाएंगे तो तब तक के लिए नमस्कार